अभी ये फ्रेश लाइव मेपल वायर पाकिस्तानी स्टाइल में कर ये देखिए माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है इन्होंने इतनी साफ सुथरी वेल मेंटेन्ड तो साथ ही आपने अगर टेक लगाई है पीछे बैठे हैं तो ये फॉर्म की गद्दी है ज़बरदस्त किस्म की अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आज हम अपने सातवें दिन का आगाज कर रहे हैं अल्लाह के शुक्र और करम से सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी के उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा सातवें दिन का हमारे आगाज हो चुका हुआ है अभी जो है हम लोग स्टार्ट लेंगे फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं उसके ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करने लगे और बड़ा ही कमाल किस्म का इनका मेन्यू है और इनका जो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत खूबसूरत है वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम अपना खाना पीना शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ये रेस्टोरेंट का एंबियंस है breads and bun and roti ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा समझ नहीं आ रही कि कहाँ से काम करें ये क्या चीज है ज़बादी फ्लेवर्ड योगर्ट उसके बाद ये कुछ करेंगे पानी निकल सॉसेजेस आई लव सॉसेजेस जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरा ब्रेकफास्ट जो है ना करने की रीज़न सॉसेजेस होती हैं सॉसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राइड राइस लेबर ये मैं नहीं खा सकता तामिया तामिया पता नहीं क्या चीज़ है इट्स काइंड ऑफ फलाफल और फलाफल की तरह नहीं खूबसूरत तरीके से पीछे ये इनमें से बहुत ही प्यारा कॉर्नर है ये रोटी है
लास्ट टाइम जो हमने एम मिनी में ट्राई किए थे वो तो बड़े ज़बरदस्त थे, अब इसको भी ट्राई करते हैं कैसे डिफरेंट कॉर्नर्स बनाए हुए डिफरेंट तरह की चीज़ें ताकि सब लोग उन्हें पसंद कर सकें इनका मेन्यू दूसरी साइड पर भी चीज़ और वेजिटेबल्स वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ नहीं दोस्तों, हम अपने बनाना शुरू करते हैं प्लेट और फिर आपको जाके मिलते हैं टेबल पर। प्लेट्स जो हैं आपके भाई ने सजा ली है, टेबल पूरा सजा लिया है डिफरेंट प्लेट्स के साथ, लेकिन अभी भी जो है ना मैं कम्प्लीट नहीं हो सका उसको करते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो टेबल आपके भाई ने सजा लिया है लेकिन अभी भी इतनी चीज़ें रह गई हुई हैं, इसको थोड़ा थोड़ा मैं लेकर आया हूँ। सबसे ज़्यादा सॉसेज लेकर आया हूँ, एज आई टोल्ड यू सॉसेजेस इज माय लव। चीज़ है, उसके साथ टहनी है, फ्रूट्स हैं, इसको इसकी जो है हम इसको रगड़ जाते हैं। नहीं जी, टेबल पूरा सेट हो चुका है, डिफरेंट प्लेट्स आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है वहाँ पे कि इतनी ज़्यादा प्लेट्स के बाद भी वैरायटी जो है ना हमारी पूरी नहीं हो सकी वहाँ पर। तो लेट्स सी क्या क्या इसमें से खा सकते हैं हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। अभी शुरू है, मैं सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आया हूँ कि आपको प्लेट्स भरी हुई लग रही है, लेकिन एक्चुअली वैरायटी ही इतनी ज़्यादा है कि वो लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ निकाल दिया है ना, कि ये हर चीज़ जो है मैं थोड़ी थोड़ी लेकर आया हूँ। सबसे ज़्यादा सॉसेजेस मैंने लिए हैं क्योंकि सॉसेजेस आई लव। और बाहर डिफरेंट कंट्रीज में जो सॉसेजेस हैं वो एक सालन वाले सॉसेजेस मिलते हैं, ये बड़ी बात है मुझे यहाँ पे ये वाले सॉसेजेस मिलते हैं जो ड्राई हैं। अभी ये फ्रेश लाइव ऑमलेट बनवाए हैं पाकिस्तानी स्टाइल में, हमारे भाई खड़े हुए थे वहाँ पे, उनसे स्पेशली पाकिस्तानी स्टाइल में हमने सब कुछ फ्रेश है, ऐसा नहीं है कोई चीज़ पुरानी उठा के रखी है।
ये पाइन एप्पल जूस है। इसके बाद जो फ्लेवर सुनाएंगे हम वो चाय के साथ और क्रोसेट्स के साथ और जो चीज और डिफरेंट बटर वगैरह के पफ हैं उसके साथ इंशाल्लाह। जी जनाब, ये है जूस कॉर्नर। या पाइन एप्पल, ये एप्पल, ये ऑरेंज और ये इन्होंने मार्गरेटा टाइप बनाया हुआ है। कल मैं जिस मस्जिद का जिक्र कर रहा था, अगर लास्ट वी लोग आपने देखा है तो मेरे होटल की बैक साइड पे एक मस्जिद है, उसका मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत खूबसूरत बाहर से बनी हुई है। आज मैं उसके अंदर आया हूँ, यार इतनी क्यों प्यारी मस्जिद है मैं बयान नहीं कर सकता। लाइक एक तो मस्जिद खूबसूरत है, ऊपर से इंसान की, बंदे की यहाँ पे जो आके नमाजी हैं उनकी फैसिलिटीज का इतना ख्याल रखा गया है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गौर किया गया है कि कमाल। यानी कि मैं उसको यही देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका इतना ज़बरदस्त तरीके से ख्याल रखा गया है। मैं आपको भी मस्जिद का विज़िट भी करवाता हूँ और साथ जो इन्होंने चीज़ों का जिस तरह ख्याल रखा है वो चीज़ें भी आपको मैं ऑब्ज़र्व करवाता हूँ। माशाल्लाह 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 सुबहानअल्लाह, इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है इन्होंने, इतनी साफ़ सुथरी, वेल मेंटेन्ड। और बच्चा वी लॉक के आने के चक्कर में ना उसने स्टंट मारा। माशाल्लाह दिल खुश हो गया, मस्जिद में आके दिल कर रहा नमाज ही पढ़ जाऊँ। यानी कि मस्जिदें भी ऐसी बनाई हुई हैं कि इंसान आए तो बस इबादत में ही मशगूल रहे, इतनी खूबसूरत मस्जिद। अच्छा देखें, सबसे पहले देखें इन्होंने सीट्स रखी हुई हैं, ये देखें आपको डिफरेंट जगहों में ये सीट्स पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ये सीट्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने ये चप्पलों के लिए बनाया बड़ा खूबसूरत सा, साथ ही एक डस्टबिन भी है। फिर एक और चीज़ देखिएगा, ये कुछ सफ़र छोड़ के ये इन्होंने शेल्फ्स बनाई हुई हैं जहाँ पे कुरान पाक रखा हुआ है बैक साइड पे, यानी कि ये कुरान पाक है और ये ड्रॉर है एक, और ऊपर जो है टिश्यू पेपर इन्होंने लिए हुए हैं। और ये हर शेल्फ की साइड्स पे जो बैठने की सीट्स हैं, सोफा टाइप, लाइक कमाल ही, हर चीज़ का निटिग्रिटीज का इतना ख्याल रखा हुआ है। और आगे मैं जाके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई तबलीग भी होती है, कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं। जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट सफ है, ये मोस्टली मैंने उधर देखा है, मोस्टली मस्जिदों में यही होता है, जो फर्स्ट सफ होती है उसकी बैक साइड पे इन्होंने एक शेल्फ दी होती है और टेक लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरह टेक लगाने के लिए ये शेल्फ है, ये देखें, ये देखें, ये इन्होंने, यानी कि आप यहाँ पे बैठे हैं तो साथ ही आपने अगर टेक लगाई है पीछे बैठे हैं तो ये फॉर्म की गद्दी है ज़बरदस्त किस्म की, कमाल यार। और कुरान पाक में देखें, कुरान पाक रखने की इन्होंने जो बनाई है वो एक बैठ के, अगर आपने पढ़ना है कुरान पाक तो वो बैठ के कुरान पाक पढ़ें, उसके नीचे ही टिश्यू पेपर की जगह दी हुई है, टिश्यू पेपर है और उसके नीचे टायर्स लगे हैं कि आप आराम से उसको अपनी तरफ खींच सकें। और फिर एक और इन्होंने किया, कुरान पाक के बड़े स्टैंड हैं, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर बैठना है, आप इधर सीट पर बैठते हैं या इस सोफ़े पर बैठते हैं जो इन्होंने शेल्फ के साइड पर लगाया हो, तो उसके लिए वो बड़े स्टैंड हैं कि आप बैठ के भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं। कमाल है, हर चीज़ का इतना ख्याल रखा है इन्होंने, सुबहानअल्लाह। अब यानी कि पहली सफ़ में मोस्टली ये होता है कि लोग जल्दी आकर बैठ जाते हैं तो वो थक जाते हैं, उनका ख्याल रखने के लिए उन्होंने ये पहली रो के पीछे ही शेल्फ लगाई है और उसकी जो फ्रंट साइड है उसमें ये कोशिश हुई है सारी, ताकि आराम से टेक लगा के लोग बैठ सकें। लाइक कमाल यार, ऊपर वुड का इतना प्यारा काम हुआ है, साथ जो इन्होंने शैंडलियर्स लगाए हैं खूबसूरत, ब्यूटीफुल यार। ये मेरा जो होटल है फोर पॉइंट्स बाय शेरेटन, उसकी बिल्कुल बैक पे, यानी कि उससे निकलते ही एक से दो मिनट में आप मस्जिद में।
اور یہ مکہ میں ہے, بہت ہی خوبصورت. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان نمازیوں کا اتنا خیال انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ اور ان کو ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے اور مال و دولت سے نوازے تاکہ یہ اور بہتر سے بہتر کام کر سکے مسلم امہ کے لیے. یہ مسجد کی مسجد کے باہر کا ویو ہے, موسم بہت ہی پیارا ہوا ہوا ہے. یہ ہمارا ہوٹل ہے اور یہ وہ خوبصورت مسجد ہے.